नमस्कार मित्रों, माँ भवानी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त रतन सिंह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रावण कैलाश पर्वत को उठा सकता था पर शिव धनुष क्यों नहीं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है या फिर हमारे मन में सवाल आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता है तो शिव का धनुष कैसे नहीं उठा पाया और भगवान राम ने कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि शिव का धनुष कैसा था। तो शिव का धनुष या फिर भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी एक टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरा सूर के तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल के समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं के द्रोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था और इन्हें केवल भगवान राम और सीता ही उठा सकते थे। लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा सड़ाई और उसे एक झटके में तोड़ दिया था। शरीर राम सरित मानस में एक स्वपाई आती है, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहू तात जनक परितापा। और इसका भावार्थ है गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस सोपाई में एक शब्द है भवसापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। ये मायावी और दिव्य धनुष था, उसे उठाने के लिए दिव्य गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था, वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था और वह धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता वह धनुष और भारी हो जाता था। वहाँ सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। जब श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष के परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही हल्का हो गया और उन्होंने इस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा सड़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और वे सफल हुए।